सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं हूं नवेद खान, आप देख रहे हैं टेक्नोटेक की बातें। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अंडर 20 के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन इन फरवरी 2020 में, मतलब 20,000 रुपए के अंदर आपको बेस्ट स्मार्ट सबसे अच्छे फोन फरवरी 2020 में कौन से लेने चाहिए, कौन से फोन आपको मैं बताऊंगा और कौन कौन से फोन में आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे ये सब भी मैं बताऊंगा आपको। हर एक फीचर, मतलब मेन फीचर बताऊंगा, जैसे स्क्रीन हो गया, प्रोसेसर हो गया, एंड उसके बाद उसका बैटरी हो गया, उसके बाद उसका बैक कैमरा एंड फ्रंट कैमरा हो गया, एंड बाकी सारे जरूरी स्पेक्स मैं आपको बता दूंगा, जैसे उसमें आपको 4G मिलता है या डुअल 4G वोल्टी मिलता है या नहीं, या फिर आपको उसमें सुपर एमुलेट डिस्प्ले मिलती है, फिर एमुलेट डिस्प्ले मिलती है, फिर IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। वैसे इस प्राइस के अंदर तो आपको एमुलेट डिस्प्ले मिल ही जाएगी, मतलब 100% आपको एमुलेट डिस्प्ले इसमें मिल जाएगी। एमुलेट डिस्प्ले होती क्या है, दरअसल जो IPS LCD डिस्प्ले होती है वो थोड़ा सा कम कलर आपको प्रोवाइड करती है, मतलब थोड़ा सा आपको हल्का कलर, जैसे फीका कलर बोल रहे, तो फीका कलर आपको वो देखने को मिलता है उस स्क्रीन में। अगर आपके पास सुपर एमुलेट स्क्रीन वाला फोन है तो उसमें आपको बहुत ही ब्राइट, मतलब बहुत ही जैसा जैसा गाढ़ा कलर आपको, गाढ़ा जैसे बताता हूं मैं, गाढ़ा कलर जिसको बोलते हैं वो आपको देखने को मिलता है, तो हल्के और गाढ़े का इसमें फर्क होता है। तो यही है दोस्तों सुपर एमुलेट एंड IPS LCD। तो ऐसी सारी मतलब स्क्रीन आपको मिल जाएंगी इस प्राइस के अंदर, कोई भी स्क्रीन आप चाहिए तो उसको मिल जाएगी आपको, एंड पॉपअप सेल्फी कैमरा, डुअल पंच होल डिस्प्ले कैमरा, सब कुछ आपको मिल जाएगा अंडर 20K के अंदर। अब बात कर लें यहाँ पर कि हम कौन कौन से फोन, मतलब कितने फोन बताएंगे, तो यहाँ पर टॉप 5 फोन लिखे हुए हैं, लेकिन ये कोई मैटर नहीं करता, मैं टॉप 5 फोन बताऊंगा, लेकिन टॉप 5 फोन कौन से बताऊंगा, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कौन से 5 फोन खरीद सकते हैं 20,000 रुपए के अंदर, मैं ये बताऊंगा, एंड ये कितने सारे फोनों में से मैं आपको बताऊंगा ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ, वो वेबसाइट पे चलने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो चले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, वेबसाइट पर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर, यहाँ पर सबसे पहला जो फोन है अंडर 20,000 के अंदर वो है Redmi K20, जिसका स्क्रीन इंच 6.39 इंचेस है, जिसका रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080x3232340 है। यहीं पे बात कर लें बैक कैमरा की, तो यहाँ पर 48+16+8 मेगापिक्सल के बैक कैमरे आपको तीन कैमरे देखने को मिल जाते हैं। 20 मेगापिक्सल की फ्रंट कैमरा सेल्फी है, 6GB रैम के साथ 4500mAh की बैटरी भी आपको देखने को मिल जाती है। सुपर एमुलेट डिस्प्ले है, जिसकी PPI की बात करें पिक्सल डेंसिटी की, तो यहाँ पर 403 PPI है। यहीं पर बात कर लें फास्ट चार्जर की, तो यहाँ पर 18W के फास्ट चार्जर के साथ ये फ़ोन आता है। ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम एंड्रॉयड है, यहाँ पर आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 730 देखने को मिल जाता है प्रोसेसर। बात कर लें दूसरे फ़ोन की, तो ये आता है रियलमी X2, जिसका स्क्रीन इंच 6.4 है, एंड रेजोल्यूशन की बात कर लें तो 1080x2340 है। यहाँ पर बैक कैमरा की बात करें 64+8+2 मेगापिक्सल के चार कैमरे आपको देखने को बाइक में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का ड्यू ड्रॉप नॉच सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। यहीं पे बात कर लें रैम की, तो यहाँ पर 8GB रैम मिलने को देखने को मिल जाता है, एंड बैटरी की बात कर लें तो यहाँ पर बैटरी आपको बैटरी 4000mAh की देखने को मिल जाती है। सुपर एमुलेट स्क्रीन फुल HD प्लस आपको इसमें मिल जाती है, एंड यहीं पर आप बात कर लें प्रोसेसर की, तो 730G आपको देखने को मिल जाता है। बात कर लें तीसरे फ़ोन की, तो यहाँ पर पोको X2 है, जो कि जनवरी में ही लॉन्च हुआ था। 6.67 इंचेस की स्क्रीन के साथ ये आता है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2400 है। बैक कैमरा की बात कर लें तो 64+2+8+2 मेगापिक्सल के बैक कैमरे आपको, चार कैमरे आपको देखने को मिल जाते हैं डुअल LED फ्लैश के साथ। आपको फ्रंट में आपको डुअल पंच होल कैमरे देखने को मिल जाते हैं, जिसका रेजोल्यूशन 20+2 मेगापिक्सल्स हैं। 6GB रैम एंड 4500mAh की बैटरी के साथ आता है ये फ़ोन, जिसकी बात करें तो IPS LCD डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिल जाती है, जो कि फुल HD प्लस डिस्प्ले है। इसके डिस्प्ले के बारे में एक और बात बता दूं, जो कि इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, वो है 120Hz का रिफ्रेश रेट, और ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G के साथ ये फ़ोन आता है। 27W का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में ही देखने को मिल जाता है, जो कि आपके फ़ोन को 30 मिनट के अंदर 0-70% चार्ज कर देगा। 7nm का ये प्रोसेसर है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G। यहीं पे बात कर लें रियलमी X2 की, तो यहाँ पर 6.4 इंचेस की स्क्रीन आती है, 1080x2340 पिक्सल्स हैं। यहीं पे बैक कैमरे की बात कर लें तो 64+8+2+2 मेगापिक्सल के चार कैमरे आपको डुअल LED फ्लैश के साथ आपको बैक में देखने को मिल जाते हैं।
16 मेगापिक्सल का आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, 4GB रैम आपको देखने को मिल जाता है 20,000 रुपये के अंदर, यहीं पे 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। फुल HD प्लस के साथ आपको सुपर एमुलेट देखने को मिल जाते हैं जो कि ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ आती है। अब यहीं पे बात कर लें 20,000 रुपये के अंदर ये फ़ोन आपको देखने को मिल जाता है। यहीं पे इसके प्रोसेसर की बात कर लें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 देखने को मिल जाता है जो कि 14,000 रुपये का 15,000 रुपये का फ़ोन आता है। यहीं पे रेडमी नोट 8 प्रो 5 पाँचवें फ़ोन की बात कर लें तो यहाँ पर रेडमी नोट 8 प्रो है जिसकी स्क्रीन इंचेस 6.53 इंचेस है। यहाँ पे रेजोल्यूशन की बात कर लें तो 1080x2340 है। यहीं पे बैक कैमरे की बात कर लें 64+8+2+2 मेगापिक्सल के चार कैमरे आपको LED फ्लैश के साथ बैक में मिल जाते हैं। 20 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ मिल जाता है। 6GB रैम मिलता है आपको एंड 4500 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है। MediaTek Helio G90T इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि एक बहुत ही अच्छा गेमिंग प्रोसेसर है। 12 nm का ये प्रोसेसर है एंड यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम एंड्रॉयड है। प्रोसेसिंग की बात कर लें तो ऑक्टा कोर है। रियलमी एक्स की बात कर लें तो यहाँ पर छठे फ़ोन की बात कर लें तो यहाँ पर रियलमी एक्स दिया जाता है जो कि दो कैमरे के साथ आता है। यहाँ पर 6.53 इंचेस की इसकी स्क्रीन है। यहाँ पर 1080x2340 है इसका रेजोल्यूशन स्क्रीन का। एंड यहीं पर बात कर लें बैक कैमरे की तो 48+5 मेगापिक्सल के दो कैमरे के साथ विथ LED फ्लैश के साथ ये फ़ोन आता है। 16 मेगापिक्सल का आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। 4GB रैम एंड बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 3765 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 3765 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 15,000 से 20,000 रुपये के अंदर बहुत ही अच्छा फ़ोन ये है। क्वालकॉम यहाँ इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 10 nm वाला प्रोसेसर है। एड्रिनो एंड्रॉयड आपको इसमें देखने को मिल जाता है। ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम प्रोसेसिंग की बात कर लें तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। सातवें फ़ोन की बात कर लें तो यह है सैमसंग गैलेक्सी M40 जो कि बहुत ही अच्छा फ़ोन है। 6.3 इंचेस की आपको इसमें स्क्रीन देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पर 1080x2340 यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन स्क्रीन के देखने को मिल जाती है। बैक में आपको तीन कैमरे मिलते हैं जो कि 32+8+5 मेगापिक्सल के बैक कैमरे आपको देखने को मिल जाते हैं। 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 6GB रैम आपको मिल जाता है। 3500 mAh की शानदार बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। एमुलर डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाता है TFT पैनल के साथ। अब यहीं पे प्रोसेसर की बात कर लें तो यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 आपको देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम की बात कर लें तो एंड्रॉयड मिलता है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675। यहीं पे बात कर लें आठवें फ़ोन की तो वो है सैमसंग गैलेक्सी M30S जिसका स्क्रीन इंचेस 6.4 इंचेस है। यहीं पे बात कर लें रेजोल्यूशन की तो 1080x2400 है। कैमरा की बात कर लें तो 48+8+5 मेगापिक्सल के आपको बैक में तीन कैमरे देखने को मिल जाते हैं एंड ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ आपको फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। 6000 mAh की आपको इसमें बहुत ही बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। सुपर एमुलेट स्क्रीन आपको इसमें मिलती है। 4GB रैम आपको इसमें देखने को मिल जाता है एंड यहीं पर आप देख सकते हैं 15,000 रुपये के अंदर बहुत ही बड़ी बैटरी के साथ ये फ़ोन आता है। ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम एंड्रॉयड है। यहाँ पर प्रोसेसर ऑक्टा कोर है। बात कर लें 9वें फ़ोन की तो यहाँ पर शाओमी पोको फ़ोन F1 जो कि पोको जो तीसरे नंबर का जो फ़ोन था पोको X2 उसी का छोटा भाई समझ लीजिए। 6.18 इंचेस की इसकी स्क्रीन है। 1080x2160 इसकी रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है एंड यहीं पे बात कर लें यहाँ पर आपको बैक कैमरा की तो यहाँ पर 12+5 मेगापिक्सल का आपको दो कैमरे बैक में मिल जाते हैं LED फ्लैश के साथ विथ फिंगरप्रिंट सेंसर। 20 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। यहीं पे बात कर लें 6GB रैम आपको देखने को मिल जाता है। 4000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। बहुत ही अच्छा फ़ोन माना जाता है 20,000 रुपये के अंदर। यहाँ पर आपको जो 12 मेगापिक्सल का जो सेंसर मिलता है वो आपको IMX363 मिल जाता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन आपको 845 मिल जाता है जो कि बहुत फ्लैगशिप प्रोसेसर था 2018 का जब ये फ़ोन आया था।
ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम आपको इसमें एंड्रॉयड मिल जाता है, प्रोसेसर आपको इसमें ऑक्टाकोर मिल जाता है। बात कर लें आज दसवें फ़ोन की, आखिरी फ़ोन, दसवां फ़ोन, नोकिया 8.1 जो कि आता है 20,000 रुपये के अंदर ही। यहीं पे बात कर लें इसके स्क्रीन इंचेस की, तो 6.18 इंचेस का स्क्रीन आता है, 1080x2246 का आपको इसमें मिल जाता है रेजोल्यूशन स्क्रीन का। बैक कैमरे की बात कर लें तो यहाँ पर दो कैमरे आपको बैक में मिलते हैं, 12+13 MP के बैक कैमरे आपको देखने को मिल जाते हैं। 20 मेगापिक्सल का आपको लेफ्ट साइड में आपको पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है। 4 GB RAM है एंड 3500 mAh की बैटरी है, यानी कि 3500 की आपको बैटरी मिल जाती है। HDR डिस्प्ले आपको इसमें दिया गया, IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर है। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7110 लगा हुआ है। अब यहीं पे बात कर लें ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम की, तो आपको एंड्रॉयड देखने को मिल जाता है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो यही थी दोस्तों वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लें यहाँ पर प्राइस की, बात कर लें तो यहाँ पर रेडमी K20 का जो प्राइस आता है वो है 19,784 रुपये। यहाँ पर पोको X2 का, यहाँ पर रियलमी X2 का जो प्राइस आता है वो 16,999 रुपये है फ्लिपकार्ट पे, एंड पोको X2 यहाँ पर 15,999, रियलमी X2 यहाँ पर 14,999, रेडमी नोट 8 प्रो 13,999, रियलमी X अमेजोन पे जो मिलता है वो है 17,974 रुपये। यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी जो मिलता है वो सैमसंग गैलेक्सी M40 अमेजोन पर 16,999 रुपये, सैमसंग गैलेक्सी M30S जो मिलता है वो है अमेजोन पर 12,999 रुपये, शाओमी पोको फ़ोन F1 जो मिलता है अमेजोन पर 14,990 रुपये, नोकिया 8.1 अमेजोन पर 16,990 रुपये। तो इन फ़ोन में से मैं दोस्तों किन्हीं तीन फ़ोनों को आपको रेकमेंड करूंगा, तो सबसे पहला फ़ोन है वो रेडमी K20। अगर आपको प्रॉपर सेल्फी कैमरा चाहिए और एक अच्छा प्रोसेसर भी आपको चाहिए एंड अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको चाहिए, तो आपको ये फ़ोन ज़रूर लेना चाहिए। आपको बहुत ही ज़्यादा लुक में भी अच्छा बैटर देखने को मिल जाएगा, 4000 mAh की बैटरी है, बहुत ही शानदार बैटरी, आपको कैमरे भी अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। पॉपअप सेल्फी कैमरा के फ़ोन चाहिए आपको तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा। एंड अगर आपको यहाँ पर चाहिए ड्यू ड्रॉप नॉच वाला तो मैं रियलमी X2 सब मैं आपको करूँगा, क्योंकि इसमें 32 मेगापिक्सल का आपको बहुत ही अच्छा ड्यू ड्रॉप नॉच वाला सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, एंड कैमरे भी आपको बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं बैक में। सुपर एमुलर डिस्प्ले भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है, बहुत ही अच्छी खासी बैटरी आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पर गेमिंग प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आपको डुअल पंच होल डिस्प्ले वाला कैमरा चाहिए तो आपको पोको X2 में सब करूँगा रेकमेंड कि आप पोको X2 लीजिए। 4500 mAh की बैटरी, बहुत ही अच्छी बैटरी इसमें दी जाती है। यहाँ पर आपको 6 GB RAM देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, अगर आप गेमर हैं क्या, फिर आप गेम के दीवाने हैं, तो आपको यहाँ पर 120Hz का आपको रिफ्रेश रेट मिल जाता है। जब आप गेम खेलेंगे तो बहुत ही स्मूथ गेम आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अब यहीं पे बात कर लें तो अगर आपको अगर बहुत ही बड़ी बैटरी चाहिए, आपको बहुत ही 2-3 दिन तक आप अगर फ़ोन को चार्ज नहीं करना चाहते, मतलब आप 2-3 दिन तक आप फ़ोन चलाना चाहते हैं सिर्फ फ़ोन के ऊपर, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप सैमसंग गैलेक्सी M30S लीजिए। 6000 mAh की बैटरी बहुत ही हो जाती है आप लोगों के लिए, एंड बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बड़ी बैटरी आपको इसमें देखने को मिल जाती है, एंड यहाँ पर आपको एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, तो आपकी फ़ोन आपका फ़ोन थोड़ा और कम आपका बैटरी कंज्यूम करेगा, मतलब आपको बहुत ही अच्छी शानदार बैटरी परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिल जाती है। एक्जीनोस का 96110 आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। एंड यहीं पे बात कर लें अगर मैं आपको चौथा फ़ोन कौन सा रेकमेंड करूँगा तो यह है नोकिया 8.1। अगर आपको साइड में कोई एक छोटी सी पंच होल डिस्प्ले चाहिए और यहाँ पर आपको बहुत अच्छा खासा कैमरा भी चाहिए और एक ब्रांडेड कंपनी का नाम भी चाहिए, तो नोकिया से बड़ा ब्रांड कोई नहीं मानता, मैं किसी को नहीं मानता, क्योंकि नोकिया का हर एक फ़ोन ही हिट जाता है और एक एक फ़ोन ही बहुत ही अच्छा है नोकिया का। यहीं पर बात कर लें प्रोसेसर भी इसमें आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, यहाँ पर अच्छी खासी आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। बैटरी हालांकि थोड़ा आपको निराश कर सकती है, लेकिन अगर आपको नोकिया का सपोर्ट चाहिए तो आप ले सकते हैं, और अगर आपको बहुत ही हाई लेवल का प्रोसेसर चाहिए तो आपको मैं आपको रेकमेंड करूँगा पोको फ़ोन F1। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बहुत ही फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाता है 2018 का, जो कि
845 वाला फ्लैगशिप प्रोसेसर है आपको मिल जाता है। अभी 865 प्लस तक ही प्रोसेसर गया है जो क्वालकॉम का आता है, और यहाँ पर 845 आपको देखने को मिल जाता है जो कि आपको 14,000 रुपये के अंदर अवेलेबल है, आपको अमेज़ॉन पर देखने को मिल जाता है। बहुत ही अच्छा फ़ोन ये आता है। दो कैमरे आपको बैक में मिल जाते हैं, फ्रंट में आपको बहुत ही अच्छा सेंसर, आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, फेस अनलॉक भी मिल जाता है, बहुत अच्छी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यही थे दोस्तों, अगर मैंने रेकमेंड किया तो यही पांचों फ़ोन थे। आप इन दोनों का, आप इन पांचों का कंपैरिजन करके देख लेना, कंपैरिजन आप लिख लेना इन सारे फ़ोनों का नाम, एंड वहां पर आप YouTube पर जाकर सर्च मार लेना इन सारों का VS लिखकर, तो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा कंपैरिजन। तो वहां पर आप कंपैरिजन देख लेना, आपको जो भी फ़ोन इन पांचों में से अच्छा कंपैरिजन आपको कंपैरिजन में अच्छा लगता है, कंपैरिजन में जो विनर होता है, जो फ़ोन विनर होगा उस वीडियो में जो आप देखेंगे, तो वही फ़ोन अगर आपको अच्छा लगता है, आपको बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी लगती है, आपको उसका कैमरा भी अच्छा लगता है, तो आप वो फ़ोन ज़रूर लीजिए, क्योंकि आपको फ़ोन अपने पसंद का लेना चाहिए। अब मैं बताऊंगा, मैं बोलूंगा आपको कि आप रेडमी K20 ले लीजिए, और आपको पसंद है यहाँ पर पोको X2 या फिर रियलमी X2, तो मैं रेडमी K20 बोलूंगा तो आप फिर नहीं लेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन सब का आप कंपैरिजन करवा लीजिए, कर लीजिए वहाँ पर, या तो फिर कहीं किसी वेबसाइट पर जाकर आप नाम लिखकर इसका कंपैरिजन कर लीजिए, और आपको वहाँ पर कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा। आप आराम से बैठकर आधे एक घंटे देखकर पढ़ लीजिए, और बताएगा उसमें ये भी बता देगा कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, आपकी रेकमेंड के मतलब आपको कौन सा फ़ोन चाहिए, क्या फ़ीचर चाहिए, उसके हिसाब से आपको बता देगा कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए इन पांचों में से। तो यही थी दोस्तों वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, जो भी गलतियाँ होंगी माफ़ कर देना।